वेलकम टू ऑल इंडियन टेस्टरीज, दिस इज टेस्ट नंबर 4, मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड पार्ट है, लास्ट चैप्टर है ये, मतलब लास्ट टेस्ट, इसके बाद पूरी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेशन ऑफ द आईएनसी मतलब होता है इंटरनेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन हमारे पास, उसको प्रेसिडेंट किया था बाय WC बनर्जी। सही है या गलत है? ये सही है। ये कब हुआ था? 1885 के अंदर, पहली बात। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था बॉम्बे के अंदर, इन बॉम्बे के अंदर। ठीक है, WC बनर्जी ने किया था इसको, और उसमें 72 डेलीगेशन थे, तो पहला पार्ट तो सही हो गया। द फर्स्ट सेशन ऑफ द INC वाज एड्रेस्ड बाय द कंदामनी गांगुली फर्स्ट ग्रेजुएट। पहले तो आप ये याद कर लो कि कंदामनी गांगुली फर्स्ट ग्रेजुएट वुमेन थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, ये बात सही है, पर लेकिन उसका कोई रोल नहीं था। सेकंड नंबर गलत हो गया, आंसर हो गया भाई। ठीक है, ये सेकंड पे चलते हैं। फिरोजा शाह मेहता वाज मेनली रिस्पॉन्सिबल टू फाउंडिंग द बॉम्बे क्रॉनिकल एज अ इंग्लिश न्यूज़पेपर। ये बिल्कुल सही है। जो बॉम्बे क्रॉनिकल है न्यूज़पेपर, वो किसने बनाया था, छापा था? वो शायद फिरोजा शाह मेहता। ठीक है, फिरोजा शाह मेहता क्या INC के प्रेसिडेंट भी रहे थे? कब प्रेसिडेंट रहे थे? 1960 के अंदर, और जब सिक्स सेशन हुआ था ना, सिक्स सेशन, तो INC के 1990 के अंदर INC के प्रेसिडेंट भी रहे थे। सही है। ए नेशन इन द मेकिंग बुक द ऑटोग्राफी ऑफ द सुंदरनाथ बैनर्जी। ये बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड इसका आंसर 1 और 2 हो गया। 3 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस इन द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया काउंसिल एक्ट 1982 वाज करेक्ट। 1982 वाज करेक्ट ये है कि जब इंडिया काउंसिल एक्ट आया 1892 के अंदर, तो उनमें से क्या पार्ट सही है? अच्छा, सेकंड पढ़ते हैं। इट अलाउ द डिस्कशन ऑफ द बजट। ये सही है, डिस्कशन बजट भी अलाउ था, और क्वेश्चन पूछने भी, और आस्क द क्वेश्चन भी पूछ सकते थे आप, क्वेश्चन भी पूछ सकते थे, ये भी अलाउ था। सेकंड है हमारे पास, फर्स्ट पढ़ते हैं तो सेकंड सही हो गया। इन प्रोविंसेस काउंसिल द नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी वाज इंट्रोड्यूस। गलत है। देखो, नॉन ऑफिशियल जो नॉन ऑफिशियलिटी थी, जो हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके अंदर आए थे नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर तो आ गए थे। दूसरी बात क्या है कि ना, इंडियन लेजिस्लेटिव के अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर आए थे, जैसे जमींदार थे, ठीक है, जमींदार हो गए, म्यूनसिपालिटीज़ के हो गए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हो गए, वो सब आए थे, पर लेकिन वो प्रोविंसेस में नहीं आए थे, वो आए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, तो उसमें ये गलत है। तो आंसर कितना हुआ? 2। ठीक है, अच्छा, 4th चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वर्सले ब्रिटिश डिक्लेयर द कांग्रेस इज अ टोटरिंग इज अ फॉल एंड वन ऑफ द मे ग्रेटेड एडमिशन वाइल द इंडियन वुड बी असिस्ट टू इट पीसफुल डिमिशन। सही है, ये बहुत सिंपल है, और ये आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड कर्जन ने कहा था ये। 5 पे चलते हैं। 1890 के अंदर M.A. जोशी स्टेबलाइज बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, ये गलत है। अब ये बताओ कि बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन ये किसने बनाया था? बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन की बात आप करोगे तो ये था N.M. लोखंडे, ये बनाया था N.M. लोखंडे, तो पहले तो गलत हो गया। अच्छा, मद्रास लेबर यूनियन वाज फाउंडेड बाय द M.N. लोखंडे, ये गलत है। ये करा था M.N. वाडिया ने किया था, तो ये भी गलत हो गया। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों गलत हो गए। तो मद्रास लेबर यूनियन वाज फाउंडेड बाय द वाडरा, ठीक है, 1918। और जबकि N.M. जोशी के ने जो स्टेबलाइज हुआ था हमारा बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, वो हुआ था हमारे पास N.M. लोखंडे से। चलिए, 6 पर चलते हैं। हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल रिफॉर्मर पब्लिशिंग द जर्नल खुदी अरासा। ये तो आपको पता ही होगा, ये तो बहुत सिंपल है। इसका आंसर है सी, E.V. रामस्वामी नैयर। E.V. रामस्वामी नैयर को हम क्या कहते हैं? इसको हम ना पेरियार भी कहते हैं। और ये फेमस क्यों है? क्योंकि फेमस इसलिए क्योंकि इन्होंने ही सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और ड्रेविडियन मूवमेंट भी इन्होंने स्टार्ट किया था, तो इसलिए फेमस है ये। ठीक है जी, चलो 7वें पे चलते हैं। अच्छा, द एडिसन कमीशन, ये तो पता ही, एडिसन कमीशन किससे रिलेटेड है? एडिसन 1886 में आया था, और ये कमेटी रिलेशन है हमारे सिविल सर्विस से। ठीक है, सिविल सर्विस से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इजहा मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय द श्री नारायण गुरु अगेंस्ट द ब्राह्मण डोमिनेशन। ठीक है, ये सही है।
ज्योतिबा फुले रोड द बुक्स सरावे जी का सत्याधर्म पुस्तक, ये भी सही है। और एक बुक और लिखी थी गुलाम गली, ये भी इम्पोर्टेंट है। गुलाम गली तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही आंसर हो गए इसका। ठीक है जी, नाइन्थ पे आते हैं। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया वाज डिक्लेयर्ड द इलीगल ऑर्गेनाइजेशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द 1934 के अंदर सही करा कि अच्छा जी किसने बनाई थी, ये बनाई थी एम एन रोई ने बनाई थी। ठीक है जी, कम्युनिस्ट पार्टी वैसे बनी थी 1920 के अंदर, पर लेकिन लास्ट में आके इसे इलीगल डिक्लेयर कर दिया था 1934 के अंदर। 1920 में बनी थी वैसे तो ये। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया। द फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फॉर्मड इन द 1939 बाय फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनवाया था, ये नेहरू ने बनाया थोड़ी ना बनाया था, ये बनवाया सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। कब बनाया था, 1939 के अंदर, 1939। चलो दसवां कर लेते हैं इसी बात का एक और क्वेश्चन। रॉयल कमीशन ऑफ द फैमिन वाज अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ द रिचर्ड स्टेसरी वाज अपॉइंटेड बाय द लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन नहीं है, ये है लॉर्ड लिट्टन। पहली बात तो फर्स्ट तो गलत हो गया। सेकंड चलते, फैमिन कमीशन वाज अंडर द प्रेजिडेंसी ऑफ मैकडोनाल्ड। एडवोकेट अपॉइंटेड टू द फैमिन कमीशन इज अ प्रोविंसेस रिलीफ ऑपरेशन वर एक्सपेक्टेड टू द एक्सटेंसिव। सही है, दस हो गए। ग्यारह पे चलते हैं। डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट बाय द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बिल्कुल सही है। हरिजन सेवा संघ वाज फाउंडेड बाय द महात्मा गांधी, ये भी सही है। हरिजन सेवा संघ ये महात्मा गांधी ने बनाया था, ये सही है। जब काफ़ी प्रोटेस्ट होने के बावजूद, जब काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था तब बनाया था। ठीक है जी, चले। फॉर द रिमूविंग अनटचेबिलिटी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द अनटचेबल लोग एंड द लोअर कास्ट। ठीक है जी, तो फर्स्ट एंड सेकेंड आंसर हो गया सी। बारे पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा सा देखो कम दिख रहा है, एक्चुअली क्या है ना, ये फोटो स्टेट निकला था ये, तो अभी जब नई फोटो स्टेट था अभी तो दुकान बंद सारी, नहीं तो मैं नई फोटो स्टेट लाता। हु अमंग द फॉलोइंग इंडिया पर्सनैलिटीज वर द मेंबर ऑफ द हंटर कमीशन। हंटर कमीशन की बारे में बात करोगे जो जलियांवाला बाग के लिए बनी थी अगेंस्ट के अंदर, उसमें कौन कौन से लोग थे। देखो उसमें थे सर चिन्मल हरिलाल, पहली बात तो एक तो उसमें पंडित जगत नारायण, सरदार सुल्तान अहमद खान। ठीक है, तीन तो ये हो गए। तो अगर आप पर देखो चिलमन हरिनाथ सर सही है, तेज बहादुर सपर ये गलत है, पंडित जगन्नाथ नारायण है। तो फर्स्ट एंड थ्री वो आंसर। 34 पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, कलकत्ता कॉरपोरेटिंग एक्ट 1899, एनसेंट मोमेंट 1904 और पुलिस कमीशन, ये सारे किससे रिलेटेड हैं। देखो पुलिस सारी इन सब चीज़ें जो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा लॉर्ड कर्जन से। लॉर्ड कर्जन ने इस चीज़ के अंदर काफ़ी भूमिका निभाई है। दादू भाई नंजोरे से बारे में बात करें, दादू भाई नंजोरे जो हमारे थे वो पहले वो थे जिन्हें हम, पहली बात तो उनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं ऑफ इंडिया। इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है। अच्छा, इन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था पार्लियामेंट के अंदर, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, नाम है उसका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। ठीक है, अब इसे पढ़ते हैं। ही प्रेसिडेंट द सेशन ऑफ द इंडियन कांग्रेस सेशन 1905 के अंदर उन्होंने सेशन किया था, गलत है, 1906 में किया था। 1905 में एक घटना हुई थी, कौन सी, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, तो फर्स्ट तो गलत हो गया। ही रोड द बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, सही है देखो। ठीक है जी, फर्स्ट आंसर है। अच्छा, ये जो लिखा है ट्रेन ऑफ वेल्थ, क्या मतलब ट्रेन ऑफ वेल्थ का, मतलब ये है कि किस तरह से अंग्रेजों ने हमारे यहाँ का जो वेल्थ है कैसे निकाल के ले गए। एंड ही क्रिटिसाइज इकोनॉमिकल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट ऑफ द इंग्लैंड। ठीक है जी, समझिए बात को। अच्छा, इन्होंने 1906 के अंदर एक अपना INC को प्रेसिडेंट भी किया था। उनका जो एक गोल था वो था सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज। तो स्वराज किसने बोला था, स्वराज इन्होंने बोला था, स्वराज इसका नाम है बच्चों, याद कर लो, सेल्फ गवर्नमेंट। मैं आपको बहुत सारी बात बताता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छी है मेरी। ठीक है, बस मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ता हूँ और हर बार जितने क्वेश्चन पेपर होते हैं सब निकल जाते हैं। 15 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इंडियन सर्व्ड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सेशन। कांग्रेस सेशन पहले आप देखो क्या है, देखो डफर जो था, डफर कब था, डफर एक तरह का लॉर्ड था, कब बना था, जब INC बनी थी तो इसने कहा था कि वेलकम, तो ये तो पार्ट प्रेसिडेंट तो होगा नहीं क्योंकि ये तो लॉर्ड था। हेनरी ओलकट के बारे में आप बात करोगे, हेनरी ओलकट था हमारे पास। और हेनरी ओलकट जो थे वो फाउंडर ऑफ द थियोसोफिकल सोसाइटी है। थियोसोफिकल सोसाइटी,
तो ये भी नहीं था। एनी बेसेंट था, एनी बेसेंट हमारे बना 1917 के अंदर, ये सही है। और जॉर्ज येल था हमारे पास 1888, जब टी शासन हुआ था। तो हमारे पास एक मुस्लिम एक INC प्रेसिडेंट थे बुरुद्दीन तजिबी, उन्होंने बोला कि वी वांट जस्टिस या वी वांट फ्रीडम, इस तरह का बोला था। तो उन्होंने अंग्रेज ने बोला था कि यू आर ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज, उसके बाद उस हटा के जॉर्ज येल को बनाया गया था। तो आंसर है 3 और 4, आंसर है सी। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप 15 क्वेश्चन करो और मैं बाद में कराऊंगा।